में कल्ब मिलता है समाज झूम जाती है, दुरूदे पाक पढ़ने से तिलावत झूम जाती है। सुकूने कल्ब मिलता है समाज झूम जाती है, दुरूदे पाक पढ़ने से तिलावत झूम जाती है। जरा सोचो अगर दीदार हो जाए तो कैसा हो, नबी की नात ही सुनने से तबीयत झूम जाती है। जरा सोचो अगर दीदार हो जाए तो कैसा हो, नबी की नात ही सुनने से तबीयत झूम जाती है। देखिए शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सईद अख्तर साहिब किबला जोखनपुरी की तशरीफ आवरी मिंबर शरीफ पे होने जा रही है। जरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ जिस तरह अपने मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता है, बिल्कुल पूरे मूड में नारे तकबीर और रिसालत बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, सर जमीने कुंडरा कोटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त बहुत कम है, आप लोग बड़ी खामोशी के साथ प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं, जबकि आज के इस प्रोग्राम में ऐसे ऐसे शोराए किराम और ऐसे ऐसे खुतबाए किराम को मधु किया गया है। पूरा हिंदुस्तान ये आस लगाए रहता है, ये नहीं कि मेरे गांव, मेरे कस्बा, मेरे शहर में, बल्कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में ये हजरात आ जाएं तो हमको उन्हें सुनने का सुनहरा मौका हासिल हो जाए। लोग 50-50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इन शोराए किराम और खुतबाए इस्लाम को सुनने के लिए जाते हैं। किस्मत से अराकीने कमेटी की बेपनाह मेहनत और काबिश के नतीजे में इतने कामयाब तरीन लोग हम लोगों को मिल गए हैं। हम लोग बड़ी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक खामोश रहेंगे तो मैं कहूंगा कि वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। हमारा रिश्ता है ऐसे कबीले वालों से जहां फकीर भी सरदार लगने लगते हैं। हमारा रिश्ता है ऐसे कबीले वालों से जहां फकीर भी सरदार लगने लगते हैं। अब जितने लोग चाहते हैं कि मदीना शरीफ में उनकी हाजिरी हो जाए, वो लोग दोनों हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। अब आपको जो जो बात अच्छी लगे आप यूं ही हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेंगे, इससे ये एहसास होता रहेगा कि जलसे में जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी तबीयत ठीक है। अभी आप इस तरह बैठे हैं, मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूं कि आप किस हाल में हैं। अब मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा, जितने लोग चाहते हैं कि मदीना शरीफ में उनकी हाजिरी हो जाए, वो लोग जरा दोनों हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। अब जिन लोगों ने हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कह दिया है, अल्लाह करे उनकी हाजिरी मदीना शरीफ में हो जाए, और जिन लोगों ने नहीं कहा है उनके लिए जनाबे सादिक रजा खानपुरी की नातिया शायरी के बाद दुआ की जाएगी। अभी मैं एक शेर पढ़ता हूँ और उसके फौरन बाद पलटता हूँ प्रोग्राम की जानिब। आप सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अमा सुनना चाहते हैं तो जरा जी लगा के बोल दें सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोल दें सुभान अल्लाह। ये एक मौजजा भी है, एक वाकया भी है, ये एक मौजजा भी है, एक वाकया भी है। जिक्रे हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। ये एक मौजजा भी है, एक वाकया भी है। जिक्रे हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। होकर रहेगा जन्नतो दोजख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुरमला भी है। होकर रहेगा जन्नतो दोजख का हुर भी है, करबो बला में हुर भी है और हुरमला भी है। ये मौजजा है सिर्फ आले रसूल का, वरना किसे खबर थी के सर बोलता भी है। वरना किसे खबर थी, वरना किसे खबर थी के सर बोलता भी है। लोग परेशान होते हैं कि साहब 72 के मुकाबले में 22,000 आए थे। मैं कहता हूं परेशान क्यों है, अगर 50,000 भी आ गए होते तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था मुकाबला नबी के बेटों से हो रहा है। जरा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह और हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है कि हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। बस इन्हें लाए हो, बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब्बास से लड़ने के लिए। आज अब कितने लोग हैं जो कानपुर से तशरीफ लाए शायर जनाब मोहतरम सादिक रजा कानपुरी को सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा दें। भाई आप लोग सादिक रजा कानपुरी को सुनना चाहते हैं, चाहते हैं, अम्मा जोर से बोलिए, हाथ उठा के बताइए आप उनको सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, मना कौन कर रहा है।